सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से अगर प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की घटना है वाराणसी के शिवालय इलाके की, जहां पर ओयो होटल में प्रेमी और प्रेमिका संबंध बना रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा घटता है कि प्रेमी की हो जाती है मौत और प्रेमिका हो जाती है वहां से फरार। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वाराणसी के शिवालय इलाके में एक प्रभाकर नाम का एक लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र थी 29 साल। आज से 3 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और अब वह अपने घर में अपनी पत्नी के साथ आराम से रहा करता है। और दोस्तों, वह जॉब तलाश कर रहा होता है, तभी उसकी नौकरी नगर निगम में लग जाती है और उसकी नौकरी जहां की उसकी पत्नी थी वहां पर लग जाती है, यानी कि अपनी ससुराल में उसकी नौकरी लग जाती है। अब वह अपनी पत्नी को लेकर के अपनी ससुराल में रहने लगता है और वहां पर नौकरी किया करता है। बहुत अच्छे से उनका समय गुजर रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही अच्छे से उनका समय चल रहा होता है। तभी दोस्तों, नगर निगम में उसकी मुलाकात एक सफाई कर्मचारी से होती है, जो कि लेडीज सफाई कर्मचारी होती है। अब उससे प्रभाकर की मुलाकातें होने लगती हैं, दोनों एक दूसरे से बातें किया करते हैं और बातों ही बातों में दोनों को, प्रभाकर को और सफाई कर्मचारी के बीच में प्रेम संबंध बनने लगते हैं। दोस्तों, अब दोनों छुप छुप कर मिला करते हैं, घंटों घंटों तक फोन पर एक एक घंटे बात किया करते हैं और इसी तरह से उनका मामला चल रहा होता है और प्रभाकर की पत्नी को इस बारे में अभी तक मालूम नहीं था। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, जैसे ही उन दोनों को मौका मिलता है तो वह घर वालों से नजर बचाकर एक दूसरे के साथ मिल लिया करते हैं और एक दूसरे के साथ घूमने के लिए जाया करते हैं। इसी तरह से एक दिन क्या होता है दोस्तों, शाम का समय होता है, तभी प्रभाकर अपनी प्रेमिका जो कि सफाई कर्मचारी थी उसी के साथ नगर निगम में लगी हुई थी, उसके पास फोन करता है और उससे कहता है कि अब की बार संडे को हम एक दूसरे के साथ मिलने के लिए चलेंगे और कहीं अपना समय गुजार कर आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे, अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करेंगे। दोस्तों, उसकी प्रेमिका मान जाती है और फिर संडे के दिन शाम को वह दोनों प्रेमी और प्रेमिका घर वालों से छुप करके एक ओयो रूम बुक करते हैं और वहां कहते हैं कि हम रात भर इस रूम में टिकेंगे और सुबह यहां से हम चले जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद ओयो रूम बुक कर दिया जाता है, वो दोनों प्रेमी और प्रेमिका ओयो रूम के अंदर चले जाते हैं। तभी सुबह होती है, सुबह ओयो रूम का जो मालिक होता है वह दरवाजे को खटखटाता है तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। वह दरवाजे को खोलकर देखता है तो अंदर का नजारा देखकर वह दंग रह जाता है। बेड के ऊपर जो प्रभाकर था वह कच्चे में पड़ा हुआ था और वह मृत अवस्था में था। तभी ओयो रूम के जो मालिक होते हैं वो पुलिस के पास फोन करते हैं, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और पुलिस मामले की जानकारी जुटाना चाहती है कि आखिर यह कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हुई और यह जिस लड़की के साथ आया था वह लड़की आखिर कहाँ गई, क्योंकि ओयो रूम के जो होटल के मालिक होते हैं उन्होंने जब दरवाज़ा खोला था तो वहाँ से वह प्रेमिका फरार थी जिसके साथ वह व्यक्ति उस कमरे में आया था। दोस्तों, पुलिस छानबीन में जुट जाती है और फिर सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। सीसीटीवी कैमरे में उस प्रेमिका की शक्ल दिख जाती है और फिर पुलिस उसका पता लगा लेती है और उसको उसके घर से उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या, तुम इसके साथ कमरे में आई थी। तभी दोस्तों, वह प्रेमिका बताती है कि मैं और प्रभाकर बहुत दिनों से एक दूसरे से प्यार किया करते थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, तभी हम शाम को यहाँ मिलने के प्लानिंग बना करके हम इस रूम में आते हैं ओयो होटल में और यहाँ पे रूम बुक करते हैं और जैसे हम दोनों भीतर बैठते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद हम एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं तो इसको हार्ट अटैक हो जाता है और ये इतने में कुछ कर पाती इतने ही ये मर जाता है, बेड पर गिर जाता है। मैं वहाँ से घबराकर फरार हो जाती हूँ जिससे कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगे। दोस्तों, इस बात की खबर पुलिस भी लगाती है, प्रभाकर के घर वालों को पूछती है। प्रभाकर के घर वाले जो होते हैं वह कहते हैं कि अभी कुछ समय पहले इसकी बाईपास सर्जरी करवाई थी, यह हार्ट का मरीज था, हार्ट का पेशेंट था। तो दोस्तों, पुलिस को मामला पता चल जाता है और उसके बाद पुलिस उस लड़की को छोड़ देती है और जो प्रभाकर की डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम करवा करके उसके घर वालों को सौंप देती है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं उस घटना के बारे में? क्या प्रभाकर ने गलत किया जो अपने घर वालों को और अपनी पत्नी को धोखा दिया, या फिर यह कोई गलती नहीं थी, वह दोनों अपना सिर्फ अपनी अपनी मर्जी से अपना काम कर रहे थे, या फिर यह गलती नहीं थी, ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं है? तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम
एक दूसरे से अपना तालमेल मिला लेते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, फिर भी थोड़ा बहुत तो गलत ही होता है। कानून की नज़र में गलत ना हो, लेकिन सामाजिक तौर पर यह गलत है। अपनी पत्नी को, अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहना बहुत ही गलत समाज के हिसाब से। तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस प्रेमिका को क्या सज़ा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए, या फिर यह जो भी कांड हुआ इसके ऊपर आपकी राय क्या है, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं, लगातार आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। दोस्तों, हमारे 3 चैनल हैं। अगर आप धार्मिक प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मृत्युवाणी को सब्सक्राइब करें, और अगर आप क्राइम की रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल है तिरछी बात, और दूसरा भी चैनल है तिरछी बात पलवल के नाम से। इन दोनों पर मैं अलग अलग घटनाओं की, अलग अलग क्राइम की घटनाओं के वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ। यानी कि तिरछी बात और तिरछी बात पलवल पर अलग अलग वीडियोज़ होते हैं, अलग अलग घटनाओं के वीडियोज़ होते हैं। तो इन तीनों चैनलों को आप सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम सुदेश है, जो कि झलको बीकानेर में कार्यरत हैं, जो झलको जो आपका न्यूज़ मीडिया है वहाँ पर कार्य करते हैं, झलको बीकानेर चैनल पर। और उनका एक इंस्टाग्राम आईडी है झलको बीकानेर सुदेश जी। आप वहाँ पर जाएँ, उनको सपोर्ट करें, उनके इंस्टाग्राम आईडी पर जाएँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको हमारी ये स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।